शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। ये क्या किया आपने कीर्ति जी? अपनी ही बहन को जान के धमकी देते हुए शर्म नहीं आई आपको? गौरी तुम चुप करो, हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या ये रिकॉर्डिंग झूठी है? ये शिकायत झूठी है? और अगर ये सब झूठ है तो फिर कहाँ है श्रद्धा जी? बोलिए। तुम अपनी हद में रहो गौरी, ये सब गलत, हमने कुछ किया ही नहीं है। एक मिनट, क्या तमाशा चल रहा है? हाँ गौरी, तुम बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम जानते हैं कीर्ति अपनी बहन को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम क्या जानो दोनों बहनों के बीच का रिश्ता कितना पक्का है? हमें आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ बुआ जी, लेकिन हम जानते हैं इनकी अपनी बहन के लिए नफरत। बहुत बार सुना है हमने इनके बारे में, और अब तो रिकॉर्डिंग में भी हमने श्रद्धा जी से सुन लिया। अरे हम इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, घर में ऐसे तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। हम हमारी श्रद्धा को अच्छे से जानते हैं, वो हमारे परिवार की बात कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं लेकर जाएगी। रिश्तों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाए, पर श्रद्धा भाभी कभी भी अपनों के खिलाफ नहीं जाएंगी। हाँ सर, श्रद्धा ये घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ये परिवार ही उसकी ताकत है। अरे बहन, हमारी समझ के तो बाहर ही है ये परिवार। अरे हर दिन एक नया तमाशा। वही तो, हमें यहाँ बुला के श्रद्धा खुद गायब है। हमें तो लगता है कीर्ति ने ये कांड किया होगा। अरे का बीवी जी, ये का कर दिया आपने है? बहन बहन की दुश्मन बन के डसे रही, ये हमने कभी सपने में भी ना सोचा रहा ना। नच्छे गुलाल, तुम ना चुप रहो, हद में रहो अपनी। अरे हमने कुछ भी नहीं किया है। वो तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। चलिए। इसने कुछ नहीं किया है। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए, पुलिस के काम में दखल ना दें, आपके लिए बेहतर होगा। और अगर कार्रवाई में कुछ नहीं मिला तो हम इन्हें छोड़ देंगे, कानून पर भरोसा कीजिए। ले चलो उनको। रे 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 भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए हमारी बीबी जी को, हम कैसे रहेंगे इनके बिना? हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए बीबी जी। तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए बीबी जी। हा? हमको घर से फेंकने चली थी, तीसरे रोज छक्की, अब जेल में। तुम चिंता मत कर, मैं श्रद्धा को ढूंढ लूंगा। तुम्हें और श्रद्धा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो। बीवी जी, हम कैसे रहेंगे आपके बिना बीवी जी? माफ कीजिए, लेकिन अभी हमारे इस घर की मुसीबत को सुलझा लेने दीजिए। कौरी, क्या किया तुमने श्रद्धा के साथ? जिंदा की मर गई बे, चेक कर। सांस नहीं चल रही इसकी तो। अब क्या क्या
लगता है अभय जी, आपने रिकॉर्डिंग में सुना ना, कैसे कीर्ति जी ने श्रद्धा जी के साथ? कीर्ति ने कुछ नहीं की है, तुमने की है। क्या किया मेरी श्रद्धा के साथ बताओ, वरना कैसे शांत हो जाओ, पता नहीं श्रद्धा किस हाल में। श्रद्धा ये तो अभी भी जिंदा है। मेरी बहन को जेल में डालोगे, वहाँ मुझे बंद कर दोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यही सोचा था ना तुमने गुलाल? अबे यार, तुम तो हमारी सांस हलक तक ला दी रही, कहाँ कर रही हो भाई? कैसी लगी हमारी आवाज? अरे हूबहू श्रद्धा जैसी, पर ये हुनर पैदा कहाँ से की रही तू? बचपन से ही ना, लोगों की आवाजें निकाल के हम अपना काम निकलवाते थे, और देखो आज हमारा काम भी हो गया। पुलिस तक को एक चुटकी में चकमा दे दिया हमने। अरे तुम्हारे दिए चकमा ने तन से एक बहन की इज्जत कर दी चकनाचूर, और धन से दूसरी बहन को कर दिए रहे हम एक दुनिया से दूर। कैसी रही? जबरदस्त रही। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना गुलाल, छोड़ना मत उस श्रद्धा को। कैसे कैसे साली जी, देखो तुम्हारी सारी होशियारी तो धरी की धरी रह गई। अरे कम से कम गौरी का तो काम निपट जाने दियो। तुम गौरी के साथ मिलकर मुझे यहाँ लंबा नहीं फंसा सकते हो। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सच सामने आके रहेगा। सच सामने आकर आएगा। अरे अमरी वेरी वेरी मत प्यारी फुलझड़ी, सच जानने खातिर तुमका बाहर जाना रहा, वो कैसे करोगी है? क्योंकि हमरे रहते तू ना हो सके ना। अरे ये बकैती के चक्कर में एक बात तो हम तुमको बताना ही भूल गए, खुशखबरी देना भूल गए तुमका। अभी काम करो, ये कान का दरवाजा खोलो और खुद ही सुन लो। अगर मैं एक भी पल अपने घर में रही तो वो कभी भी मेरी जान ले सकती है। जब तक कीर्ति वहाँ है मैं वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने ये कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है मैंने। अरे ना 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 श्रद्धा जी, आप समझ नहीं रही हैं।
तुम्हारा बोला नहीं बोला वो जरूरी नहीं रहा, तुम्हारी ई आवाज सही जगह तक पहुंचे ई जरूरी रहा। तुम्हारी ई आवाज वहां पहुंची और तुम्हारी बहन जेल पहुंची। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गुलाल। कैसे पहले हाथ तो खुला। सत्ता जी, मम्मी जी वो अभी तक घर नहीं आई है, पर अब आप कह रहे हैं कि आपके पास भी नहीं आई, वो गई कहाँ? वो अगर जैसे ही घर आती है तो मैं आपको बताता जी। वो श्रद्धा मायके में भी नहीं है। हे माता रानी, आखिर श्रद्धा है कहाँ? अबे अब तो हमें भी लग रहा है कि गौरी ने श्रद्धा के साथ कुछ किया है। अबे श्रद्धा का कुछ पता चला? नहीं अनुज जी, कब से बेचारा फोन लगाया जा रहा है। पापा, कीर्ति भाभी कैसी है? बेटा जब तक श्रद्धा उनके सामने नहीं आ जाती, पुलिस ने बोला है वो कीर्ति को नहीं छोड़ सकते। भैया बेल भी नहीं मिल सकती क्या? नहीं, आज तो कोर्ट भी बंद हो चुका है, मेरी लॉयर से बात हो गई है, अब जो होगा वो कल सुबह ही होगा। जान से मार दूंगा गौरी को, जान से मार दूंगा उसे। अभय समझते क्यों नहीं हो यार? अरे कीर्ति पहले से जेल में है, श्रद्धा को मिली नहीं है, और बेटा तुम ऐसे संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं मैं खुद को? श्रद्धा का फोन नहीं मिल रहा, वो कहीं मिल नहीं रही है, गौरी ने उसके साथ पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं मेरी श्रद्धा की हालत में होगी। पुलिस ढूंढ रही है श्रद्धा को। बेटा मेरा श्रद्धा बहुत समझदार लड़की है, देखना वो वापस आ जाएगी। अबे खुद को संभालो, माता रानी हमेशा श्रद्धा के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। जी लो इस झूठी उम्मीद में सब, पर हमारे रहते श्रद्धा की परछाई भी इस घर में वापस नहीं आने वाली। घर तो तुम जाने से रही साली जी, जितनी कोशिश करनी है कर लो। घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, बेचारी कीर्ति बिना किसी गलती के उसे रात जेल में बितानी पड़ रही है। कैसे भी मुझे यहाँ से निकलना होगा, माता रानी रास्ता दिखाइए। बहुत ही बढ़िया, हमेशा से अपने पति के हाथ का खाए, आज थोड़ा हमारे हाथ का खाए। दूर रहो मुझसे। ज्यादा मुंह चलाओगे ना तो जहर भी मुंह में ठूस देंगे, बता ही रहे हैं। गिलो भैया जी, ठीक तो तुम्हारी हिम्मत तो अब हम तोड़ रहे, तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ के। अबे
चलो ले चलो उसे। चलो अभय बचा लीजिए मुझे। अभय श्रद्धा मुझे बचा लीजिए। अभय अभय श्रद्धा ये सपना श्रद्धा को कुछ नहीं हो सकता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे श्रद्धा को ढूंढना ही होगा। बार बार मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक नहीं है। नहीं की रही श्रद्धा, हमारी जरा सी झपकी का लगी तुम ऐसा फायदा उठाए रही है? ये तो भारी मच गलत की रही था। मुझे रोकने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी होगी गुलाल। अरे तुम्हारी जान की चाबी तो हमारे पास है, कैसे भागोगी है? अबे उठो पकड़ो इका। अरे भैया जी ए वो लड़की कहाँ गई? लड़की रुक जा। छोरी से पिट पिटाई के लमले की आएगा हो क्या? पकड़ो उका। नलायक साल। भाई साहब आपने इनको कहीं देखा है?
नान नान आपने इनको क्या देखा है? ध्यान से देखिए ना। नहीं 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 देखती है। हेलो श्रद्धा, अभय तुम कहाँ हो? अभय मैं मंदिर के पीछे वाले गोडाउन की गली में हूँ। आप जल्दी से प्लीज आ जाइए। अभय हाँ मैं हेलो श्रद्धा का फोन बंद आ रहा है। हे भगवान फोन भी बंद हो गया, अब क्या करूं? चप्पा चप्पा छान मारो, कोनों के भी नजर में ना आने पाए। श्रद्धा तुम कहाँ हो? शादी कर लीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं कानूनी तौर पे तुमसे शादी कर लूंगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।